नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। किसान आंदोलन के मुद्दे पर इस वक्त राज्यसभा में हंगामा हो रहा है। संसद के बजट सत्र में आज विपक्ष किसान आंदोलन को अपने पक्ष में कैश करने की कोशिश कर रहा है। किसानों ने आज तक किसी भी राजनीतिक दल को अपने मंच पर आने नहीं दिया, लेकिन बजट सत्र शुरू होने के साथ ही विपक्षी दलों ने उनके आंदोलन को संसद में उठाने के लिए स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है। विपक्ष इस प्रस्ताव पर आज ही चर्चा की मांग कर रहा है। इसी स्थगन प्रस्ताव के मुद्दे पर हंगामा हुआ है। स्थगन प्रस्ताव का नोटिस राज्यसभा में कांग्रेस, बीएसपी, आरजेडी, एसपी, डीएमके और सीपीआई ने दिया है। विपक्ष की स्थगन प्रस्ताव में कृषि कानूनों पर चर्चा की मांग की गई है। स्थगन प्रस्ताव के तहत सदन की सारी कार्रवाई को रोककर देश हित के किसी गंभीर मुद्दे पर चर्चा की मांग की जाती है। स्थगन प्रस्ताव लाने के लिए कांग्रेस और शिवसेना सबसे ज्यादा मुखर होकर सामने आ रहे हैं। संजय राउत आज किसानों से मिलने भी जा रहे हैं, तो ये बड़ी खबर इस वक्त की। विपक्ष का स्थगन प्रस्ताव और इस सबके बीच किसानों के मुद्दे पर विपक्ष का हंगामा और मांग ये कि आज ही चर्चा हो। स्थगन प्रस्ताव यानी किसी भी देश हित में गंभीर मुद्दे को लेकर कार्रवाई रोककर फौरन उस मुद्दे पर चर्चा की मांग की जाती है स्थगन प्रस्ताव के जरिए। और इस सबके बीच किसानों के मुद्दे को उठाती हुई और सबसे मुखर आवाज कांग्रेस और शिवसेना की सामने आ रही है। और इस वक्त हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ चुके हैं। टीकरी बॉर्डर से जावेद मंसूरी हमारे साथ हैं और सिंघू बॉर्डर से अनुराग ढांडा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, सबसे पहले आपके पास आते हुए, अभी तक किसानों की तरफ से मंच नहीं दिया गया था राजनीतिक दलों को, लेकिन अब राजनीतिक दलों की तरफ से इस मुद्दे को उठाकर संसद में हंगामा, किस तरीके से देखें? देखिए, नहीं अगर देखें तो 26 जनवरी को जो कुछ हुआ उसके बाद स्थितियां काफ़ी बदल गई। गाजीपुर बॉर्डर पर अब लगातार नेताओं का आना जारी है। पहले जो किसान आंदोलन बिल्कुल मंच नहीं दे रहा था राजनेताओं को और ये कह रहे थे कि राजनेता और राजनीतिक पार्टी हमारे आंदोलन से बिल्कुल अलग हैं, अब वहाँ पर अगर देखें तो गाजीपुर बॉर्डर पर लगातार एक के बाद एक पॉलिटिकल पार्टी के नेता जाते हैं। तो अब ये नहीं है कि मंच नहीं मिल रहा है, सिंघू बॉर्डर पर हालांकि नहीं मिल रहा है। दूसरी तरफ अगर देखें पॉलिटिकल पार्टीज़ को क्या चाहिए, विपक्ष की लोकप्रियता सबसे कम है आज तक के इतिहास में। अगर आप देखें तो सबसे कम लोकप्रियता विपक्ष की इस वक्त है और उन्हें चाहिए लोगों का सपोर्ट। तो अगर लोग किसी आंदोलन से जुड़े हुए हैं, उनको लग रहा है कि जन समर्थन कहीं पर है, तो उनकी आवाज़ को पार्लियामेंट में उठाकर, राज्यसभा में उठाकर, ये सारे दल ये चाहते हैं कि उन लोगों का समर्थन इनको जब भी कभी चुनाव होता है उस वक्त इनको मिल जाए। तो इस लिहाज से अपनी ज़मीन तलाशने की कोशिश ये तमाम राजनीतिक दल कर रहे हैं, किसान आंदोलन का समर्थन करके, उनके मुद्दे को उठा करके। और आज तो शिवसेना से संजय राउत जो हैं वो गाजीपुर बॉर्डर पहुंच रहे हैं आज 1 बजे, तो वो भी उन पॉलिटिकल पार्टीज में शुमार हो रहे हैं जो किसान आंदोलन के मंच पर अपनी हाजिरी लगा रहे हैं। ठीक है अनुराग, लौटेंगे आपके पास। इस सब के बीच मनोज झा की तरफ से क्या कहा गया, आइए सुनवाते हैं आपको। जी, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि संसद प्रतिनिधियों का केंद्र है। अगर संसद जन सरोकार के मुद्दों पर, जहां एक तरफ सर्द पूस की रातों में लोग परेशान हो रहे, संसद कम से कम चर्चा करे। विनय विश्वम। तो विपक्षी दल इस मुद्दे को लेकर लगातार सरकार को घेरने की कोशिश में और अब शुरुआत संसद में भी। जावेद हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जावेद, अनुराग बता रहे कि 1 बजे संजय राउत वहां पर पहुंचेंगे, अभी वहां पर क्या हालात हैं और संजय राउत जब पहुंचेंगे तो किसानों का इस पर क्या रुख? देखिए गायत्री, हमारी मौजूदगी टिकरी बॉर्डर पर है और टिकरी बॉर्डर पर अभी किसी नेता के पहुंचने की खबर नहीं है, लेकिन यहां पर मैं आपको दिखाऊं जहां प्रदर्शन स्थल है उससे कुछ दूरी पर जो सुरक्षा है वो किस तरह से तैनात की गई है, ये हम वहां तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर अभी सड़क चल रही है, लेकिन जो प्रोटेस्ट साइट है उसे पूरी तरह से ढक दिया गया। लेकिन देखिए, जो राजनीतिक दलों के कूदने की बात है, जहां तक गायत्री हमें समझना होगा कि एक वो वक्त था जब सतना जो गुरनाम चढ़ूनी है उन्होंने विपक्ष के नेताओं से मुलाकात की थी और संयुक्त किसान मोर्चा ने उनसे जवाब मांगा था और कुछ देर के लिए उन्हें निलंबित भी किया था, लेकिन अब स्थिति ज़रूर बदली है। अब खुलकर गाजीपुर बॉर्डर पर जो नेताओं की मौजूदगी लगातार देखी जा रही है, तो अभी तक ये इंतज़ार है कि क्या अब संयुक्त किसान मोर्चा ने खुले तौर पर राजनीतिक दलों को एक्सेप्ट कर लिया है कि नहीं, क्योंकि अभी तक
जिस तरह से शुरुआत से संयुक्त किसान मोर्चा ये कह रहा था कि राजनीतिक दल नहीं आएंगे, लेकिन अब लगातार आ रहे हैं, तो इस पर और संयुक्त किसान मोर्चा से सफाई का इंतजार जरूर रहेगा कि क्या अब आधिकारिक रूप से उन्होंने मान लिया, क्योंकि राकेश टिकैत जो है वो संयुक्त किसान मोर्चा का हिस्सा है और उन्हीं के मंच पर जो गाजीपुर में वो लीड करते हैं प्रोटेस्ट को, वहां पर लगातार नेताओं का आना जाना है, तो ये लगातार नेताओं का आना जाना है।